वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट टीवी। कोरोना गया नहीं था बल्कि दुगनी रफ्तार से वापस आ गया है। हालत यह है कि दूसरी बार देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,15,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 630 लोगों की जान भी चली गई है। राहत की बात यह है कि करीब 60,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को 1,03,000 नए कोरोना केस सामने आए थे। एक समय ऐसे भी था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इसी साल 1 फरवरी को 8,635 नए केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना संक्रमितों की यह संख्या इस साल सबसे कम थी। बीते दिनों बढ़ते आंकड़ों को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन हालातों को देखकर कहा जा सकता है कि कोरोना रिटर्न हो चुका है और एक बार फिर से हम लॉकडाउन जैसे हालात में पहुंचने लगे हैं। यह एक चौंकाने वाला फैक्ट है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया में सबसे ज्यादा केस हर दिन भारत में आ रहे हैं। दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रिकवरी भी भारत में हुई है। मौत के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मेक्सिको के बाद भारत का नंबर है। महाराष्ट्र में फिर कोविड के 50,000 से ज्यादा मामले रोजाना सामने आना चिंता का सबब जरूर बन गया है। ऐसा पिछले 3 दिन से लगातार हो रहा है। राज्य में एक दिन पहले मौतों की संख्या 155 थी, जो बढ़कर 297 हो गई। मौतों की कुल संख्या बढ़कर अब 56,330 हो गई है। बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों ने अपने यहाँ मिनी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र राज्य में वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा, साथ ही रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हो गया है। शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जहां प्रैक्टिकल चल रहे हैं वे स्कूल खुलेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी में खुली जगह में 200 और बंद जगह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। पंजाब राज्य में 9 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल कॉलेज भी अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ में रात 11 बजे तक रेस्टोरेंट और पब बंद करने होंगे। यहां सिर्फ 50 लोगों को अंदर रहने की अनुमति है। स्कूल कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। हरियाणा में फिलहाल स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना यहां अनिवार्य है। सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी में खुली जगह में 500 लोग और बंद जगह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। बिहार राज्य के सभी स्कूल कॉलेज 11 अप्रैल तक बंद हो गए हैं। शादी और सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 लोगों की यहां अनुमति है। उत्तराखंड में 12 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक कर दिया गया है। तेलंगाना में सभी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई हैं। राजस्थान राज्य के 10 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 10वीं तक के सभी स्कूल बंद हो गए हैं, जबकि सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 लोग तक ही शामिल हो सकेंगे। गुजरात के सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आने जाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य में 9वीं तक के स्कूल 18 अप्रैल तक और 10वीं 12वीं के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 9वीं तक के स्कूल 18 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। 200 लोग सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि सार्वजनिक कार्यक्रम में 50 लोगों को ही अनुमति है। मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर, भोपाल व इंदौर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रह गया। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से 16 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। झारखंड में कक्षा 7वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना से बचाव की है सरकारी तैयारी है, लेकिन अंततः स्वयं पर भी निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
इसलिए अपने आप को सेफ रखें, कोरोना से बचते रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।